जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। हम एक अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, इसको आप पूरा देखें। कुछ लोग होते हैं जो आपको बार बार अपमानित करते हैं, वो लोग आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। बहुत से लोग इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, बहुत से लोगों का मेंटली तौर पर बहुत मजबूत होते हैं तो ऐसी सिचुएशनों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसी कंडीशनों से बाहर नहीं आ पाते हैं और वो इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और कई बार उन लोगों के नज़रिए को खुद के नज़रिए से देखने लग जाते हैं और इसी वजह से समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कुछ तरीके हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। पहली बात है कि आप अपने बारे में एक जो ओहरा या अपने बारे में जो सोचते हैं वो सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। दुनिया या कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों की परवाह करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंदर जो काबिलियत है, शक्तियाँ हैं, उन सभी को हम सही से पहचान नहीं पाएंगे और उन सभी पर सही तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और जो योग्यता है उनका सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अपमानित करना एक बहुत सरल तरीका है जो दुश्मन खेमा कह सकता हूँ इसका सही उपयोग करता है, और अपमानित कर के वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहता है और वो आपको अपने लक्ष्य से भटकाना भी चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। तो इन लोगों से आपको अपने तरीके से दूरी बनाना चाहिए, इग्नोर करें, इनकी बातों पर ध्यान ना दें और उन चीज़ों को डील करें। पहली बार जो अपमानित कर रहे हैं उन चीज़ों को डील दें। कई बार जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, हम उनके हमें अपमान करने का हम जवाब नहीं दे पाते, तब हमें शांत रहना चाहिए और कोई जवाब देना नहीं चाहिए। बहुत बार अपमान हमारे लिए औषधि का कार्य भी करता है। कई बार अपमान के बाद व्यक्ति में किसी कार्य को करने के लिए एक जोश, उत्साह, उमंग आ जाता है, लेकिन वो दौर अब नहीं है। अब लोग अपमान हमारा कॉन्फिडेंस हमें पीछे धकेलने के लिए करते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, इन चीज़ों से आप सावधान रहें। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।